द अल्टीमेट इंडियन अभिषेक सरकार का आप सभी को नमस्कार। तो वीर दास के साथ एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। वीर दास ने अमेरिका के कैनेडी क्लब में अपना एक मोनोलॉग किया। उस मोनोलॉग में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे कि कुछ लोग कह रहे हैं वो कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही बात बोली। आखिरकार ये कॉन्ट्रोवर्सी है किस बात पे, उनके मोनोलॉग में क्या था, हम आपको हर एक बात समझाएंगे, बताएंगे, हिंदी में बताएंगे कि उन्होंने अंग्रेजी में क्या बोला। उनके मोनोलॉग का नाम था आई केम फ्रॉम टू इंडिया, मैं दो भारत से आता हूँ। तो उन दो भारत के विषय में जो वीर दास है उन्होंने क्या बोला, ये सब मैं पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप खुद विचार कीजिए क्या क्या सही है क्या गलत है। वीरदास ने सबसे पहले बोला कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ दिन में औरतों की पूजा होती है और रात में उनका गैंगरेप होता है। हालांकि ये बात बहुत हद तक सच है कि यहाँ पे वुमेन सिक्योरिटी का इशू है। दिल्ली जैसे शहर में अभी भी रात को औरतें निकलने से डरती है, उनको सिक्योरिटी का मसला तो है ही, पर एक और इंडिया ऐसा भी है जहाँ पे ऊबर वाले को एक औरत बेफिजूल में 50 थप्पड़ मार देती है और वो ऊबर वाला उसको हाथ तक नहीं लगाता। हालांकि दोनों ही चीज़ बहुत गलत है। हमें एक ऐसा भारत चाहिए जहां पे औरत और मर्द दोनों ही कंधे से कंधा मिला के एक साथ आगे बढ़े, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो या फिर ओलंपिक में मेडल ला जो कि आईटी इंडस्ट्री हो या फिर ओलंपिक में मेडल लाना हो, औरत और मर्द को इक्वली आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी ऊपर या कोई भी नीचे नहीं होना चाहिए। वीरदास की दूसरी बात मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ आप हमारी हंसी की खिलखिलाहट घर की दीवारों के पार से भी सुन सकते हैं, और मैं उस भारत से भी आता हूँ जो कॉमेडी क्लब की दीवारें तोड़ देते हैं और उसके अंदर से हंसी की आवाज़ आती है। इस बात से वीरदास बोल रहे हैं कि जो हंसी आपको पसंद है वो हंसी तो आपको अच्छी लगती है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते, पर जो हंसी आपको पसंद नहीं है, जो हंसी सवाल उठाती है, उस पर आप विरोध करने लगते हैं। कॉमेडी का मतलब सिर्फ और सिर्फ हंसाना नहीं होता है, कॉमेडी का मतलब एक मैसेज देना भी होता है, एक खुशनुमा माहौल में एक हंसी के साथ ठहाके के साथ एक मैसेज दे देना होता है चुपके से, इसी को कॉमेडी बोलते हैं। और दोस्तों स्टैंड अप कॉमेडी में तो ये चलन बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि हंसी के माध्यम से एक मैसेज, जो आप अपनी फीलिंग है, आपकी जो सोच है, वो हंसी के माध्यम से दूसरे तक पहुंचा दे। पर बहुत सारे लोगों को ये हंसी बर्दाश्त भी नहीं हो पाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कॉमेडियंस हद पार भी कर देते हैं, पर वो एक अलग सिनारियो है, वो 2-3% कॉमेडियन ही करते हैं। बाकी 97% जो कॉमेडियंस है वो जेन्युइनली आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपको उनकी बात पसंद नहीं आई है तो आप मत सुनिए, आपके पास पूरा अधिकार है, आपके पास टीवी का रिमोट है, आपके पास कंप्यूटर में माउस है, आप कैंसिल का बटन दबा सकते हैं। उनको सब्सक्राइब ही मत कीजिए, पर उनके ऊपर हमला करना, उनके ऊपर गंदी गंदी भाषा का यूज़ करना, ये सही बात नहीं है। हम ऐसे भारत में नहीं रहना चाहते जहाँ पे किसी के बोलने की आज़ादी को रोका जाए। वीरदास बोलते हैं कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की है, पर वो 75 साल के पॉलिटिशियंस की बात मानते हैं जिनकी विचारधारा 150 साल पुरानी है। वीरदास इस बात से कहना चाहते होंगे कि जो यूथ है वो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे बैठ के लिखती तो बहुत है, पर जब पॉलिटिक्स में आने की बात होती है तो सब लोग अपना कदम पीछे हटा लेते हैं, कोई भी आगे नहीं आता। हमारी फैमिली खुद नहीं चाहती कि हम पॉलिटिक्स में जाएं। पॉलिटिक्स का नाम इतना बदनाम हो चुका है, हर व्यक्ति यही बोलता है कि ये पॉलिटिक्स में जा रहा है तो ज़रूर चोर ही होगा ये। तो जब यूथ ही नहीं चाहता कि वो पॉलिटिक्स में आएगा तो हमको 75 साल के एज के पॉलिटिशियंस की बात ही माननी पड़ेगी, उन्हीं की विचारधारा से हमको चलना पड़ेगा। भारत की ज़रूरत इस वक्त ये है कि हम जो यूथ है वो पॉलिटिक्स में उतरे और भारत को, जो भी भारत में कमियां हैं, कमियां हर देश में होती है, दुनिया के हर एक देश में कुछ ना कुछ कमी है, पर हमारे यूथ के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिक्स में आके जो भी बची कुची कमियां हैं उसको भी दूर करें। वीरदास अपने मोनोलॉग में ये भी बोलते हैं कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पे कुछ लोग बोलते ही नहीं और कुछ लोग चुप ही नहीं होते। जैसे कि हम किसी भी विषय पे बड़े बड़े जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेटर्स, बॉलीवुड के एक्टर्स,
वो किसी भी बात पे अपना ओपिनियन देते ही नहीं है, आवाज़ ही नहीं उठाते। और कुछ लोग हैं जो सुबह से शाम तक खाली फेसबुक ट्विटर में बोलते ही रहते हैं, बिना सर पैर की बात करते ही रहते हैं। वीरदास अपने अगले पॉइंट में कहते हैं कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पे बच्चे मास्क लगा के एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे की मदद करते हैं, और दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियंस हैं वो बिना मास्क के इलेक्शन में एक दूसरे से गले मिलते हैं। वीरदास इससे शायद वो इलेक्शन वाला टाइम याद कर रहे होंगे, जब इलेक्शन के टाइम पे जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो बिंदास रैली कर रहे थे। हम सब अपने घर के अंदर बैठे हुए थे पर नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नेता बिंदास अपनी रैली कर रहे थे, बिंदास हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, बड़े बड़े मैदान बुक हो रहे थे, सारे लोग उनकी रैलीज में, बहुत भीड़ उनकी रैलीज में आ रही थी। उससे कोरोना और ज़्यादा फैला था और इसको भुगतना किसको पड़ा? हम जैसे आम नागरिकों को। वीरदास ने अपने एक और पॉइंट में बोला कि जब हम ग्रीन के साथ खेलते हैं तो हम ब्लीड ब्लू का नारा देते हैं, पर जैसे ही हम ग्रीन के साथ हार जाते हैं तो हम सब ऑरेंज में तब्दील हो जाते हैं। वीरदास कहना चाहते हैं मोहम्मद शमी वाला इंसिडेंट। जब हम पाकिस्तान के साथ खेलने वाले थे तो हम सारे एकजुट थे, इंडिया जीतेगा इंडिया जीतेगा हम सब चिल्ला रहे थे, पर जैसे ही इंडिया पाकिस्तान से हारा तो हम सब अचानक मोहम्मद शमी को दोष देने लगे, मोहम्मद शमी को उनके मुस्लिम होने की वजह से बोलने लगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ। तो दोस्तों, ये थे वीरदास के मोनोलॉग से कुछ पॉइंट। हमारे भारत के लिए एक गाने की एक लाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यूनान मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ऐसे ही हम लोग एकजुट अगर हम रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग एकजुट रहे, नए नए विचारधारा को हम अपने अंदर समेट ले, उनको एक्सेप्ट करें और हर एक वाद विवाद के लिए हम लोग ओपन रहे, तो हम आगे तरक्की करते रहेंगे। जय हिंद।